शिवांग भसीन एंड वेलकम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारे पास सिर्फ 10,000 होते हैं, 20,000 होते हैं, 30,000 होते हैं एंड हम लोगों को एक स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है कि हम लोग उसे एक महीने के लिए रखें तो एक महीने के अंदर वो हमें 4-5% का रिटर्न जनरेट करके दें। तो हम कौन से स्टॉक्स को ऐड करें, बट हमें महंगे स्टॉक्स में भी नहीं जाना क्योंकि अगर हम लोग महंगे स्टॉक्स में जाएंगे तो 4-5% का अगर रिटर्न भी मिलेगा तो हम लोग कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए गाइस मैं आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें अंडर 1,000 रुपीज के अंदर आपको मैं ऐसे 3 स्टॉक्स सजेस्ट करने वाला हूँ जिसको आप लोग अक्टूबर के एंड तक होल्ड करके रख सकते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही टाइम पे 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्टॉक्स बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं एंड आपका पोर्टफोलियो भी जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कैपिटल होगी वो ग्रो कर सकती है। सो हम लोग एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इन तीनों स्टॉक्स पे और आपको बताया जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल एनालिसिस का और प्लस सिक्योरिटी साइकोलॉजी जो मेन पॉइंट है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा आप लोगों को बताते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको हमेशा रिमेंबर करना चाहिए और इस पर और ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि आप कौन से 3 स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अंडर 10,000 रुपीज। सो गाइस जैसा कि हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ दैट इज आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज पर भी मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रिसर्च करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक ये हमारा एक सपोर्ट है एंड ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो हम लोगों ने अभी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब ये जो एक चैनल के अंदर एक राइजिंग चैनल के अंदर ही पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है, इसका करंट मार्केट प्राइस है 934 रुपीज का, सो अंडर 1,000 रुपीज है। अब अगर मैं इस चैनल को स्टडी करूं, देखिए आप लोगों को ट्रेड लेना, आप लोग अपना एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पहले पता हो कि वहां पर आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों को सीधा चार्ट्स बना के दिखा देता बट यहां पर मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि आपके माइंड में भी वो कोई प्रॉब्लम ना रह जाए कि अरे यार मैंने ये स्टॉक क्यों बाय करा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए। अब यहां पर और फर्दर अगर मैं एनालिसिस करूं, अब रेंज तो मुझे पता चल गई है, मुझे इन डेप्थ एनालिसिस करनी है। सो आई थिंक ये एक लेवल है, ठीक है, आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस है एंड ये एक रेजिस्टेंस है। ओके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाए। आई थिंक दिस इज द पर्पल एंड या अब आप क्लियरली एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो एक राइजिंग चैनल है, ठीक है, एक राइजिंग चैनल है, इस राइजिंग चैनल के अंदर एक डाउन ट्रेंड चैनल है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चैनल पे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर क्या स्पेशलिटी है कि डाउन ट्रेंड चैनल पे कैसे बाउंस कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड चैनल के ना सपोर्ट लाइन पे थोड़ा फोकस करेगा। सबसे पहले ये वाली कैंडल एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद एक शार्प रैली है। इसके अलावा इधर एक हैमर कैंडल बना, एक शार्प रैली है, अगेन एक हैमर कैंडल बना और एक दोबारा एक अपसाइड आ रही है, हम लोग वो देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब भी अपने इस डाउन ट्रेंड वाले चैनल पे जब भी ये सपोर्ट पे आता था और बाउंस करता था हम देखते थे अपने रेजिस्टेंस पे आके एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता था। फर्स्ट टाइम देखने को मिला, सेकंड टाइम देखने को मिला, थर्ड टाइम ऐसा क्या है स्पेशल है कि शायद इसका ब्रेकआउट भी दे सकती है। स्पेशल ये है कि आप चैनल देख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म चैनल है, जो एक राइजिंग चैनल, देखिए ये लॉन्ग टर्म चैनल है एंड इसके अंदर ये शॉर्ट टर्म चैनल है। तो जो लॉन्ग टर्म चैनल है उसका जो सपोर्ट है एग्जैक्टली वहां पर भी सपोर्ट लिया है, आप देख रहे हैं ना पर्पल लाइन और जो ऑरेंज लाइन है दोनों कनेक्ट हो रही है और एग्जैक्टली वहीं पर इसने स्टॉक को ने रीटेस्ट करा, स्टॉक आया और वहां से ऊपर बाउंस करा। अब आप एक बात बताइए, हमने जब डाउन ट्रेंड चैनल की बात करी थी तो हमें पता है कि जब सपोर्ट पे बाय करते हैं तो स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाता है। अगर हम लोग राइजिंग चैनल पे अगर एक बाय कर रहे हैं जो कि सपोर्ट पे, तो ऑब्वियसली हम लोग मानेंगे कि यार ये अपने राइजिंग चैनल के ट्रेंड लाइन पे भी जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर स्पेशल बाय बनता है, क्यों बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट ही होगा एंड आर सेकेंड टारगेट शुड बी दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि 1,000 रुपीज का लेवल है जो कि राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां तक मिनिमम ये स्टॉक आ सकता है। सो चलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। आप एक चीज चेक करिएगा, स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। आपने यहाँ देखा स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, स्टॉक दोबारा नीचे आया, कंटिन्यूसली इधर भी यही परफॉर्मेंस हो रही है। हुआ क्या है यहाँ पे,
स्टॉक एक फॉल करा, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया एंड अगेन इट क्रिएटेड अ न्यू हाई टुडे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? स्टॉक अब हायर हाइस एंड हायर लोस कंटिन्यूशन फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, विच इज अ बुलिश मूवमेंट। दूसरी चीज, एक डाउन ट्रेंड चैनल का जो सपोर्ट था वहां पर इसने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करा एंड वहां से एक बाउंस लिया। थर्ड चीज, इसने एक लॉन्ग टर्म चैनल, एक राइजिंग चैनल के सपोर्ट पे रीटेस्ट लेके अब ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। आई थिंक स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, यहां पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टॉक के अंदर बाइंग करने की। सर, व्हाट शुड बी द टारगेट, व्हाट शुड बी द परसेंटेज? हमें परसेंटेज से मतलब है, हमें ज्यादा टारगेट से मतलब नहीं है। सो लेट मी टेल यू, देखिए अगर हम लोग करंट लेवल्स पे भी बाय करते हैं तो हमारे हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो टारगेट हो सकता है 1000 रुपीज हम लेकर चल रहे हैं, दैट शुड बी द 7% हमारा टारगेट हो सकता है। सर, स्टॉप लॉस, तो देखिए यहाँ पर एक बेस है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पर बार बार ये स्टॉक सपोर्ट लेता है, नीचे जाने की कोशिश करता है बट दोबारा एक बाउंस आ जाता है, नीचे गया, एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया बट दोबारा रिकवर कर गया। अब अगर यहां पर हम बाय करते हैं तो आई थिंक सपोर्ट आपका होना चाहिए ये लेवल पे, तो ऑलमोस्ट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का। अगर आपको 2 रुपए का रिस्क है तो 4 रुपए का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये एक ट्रेडिंग सेटअप है। एक बार चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स के अगर मैं टाइम फ्रेम पे चलता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आने वाला है। ये देख रहे हैं, दिस इज द शोल्डर, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और ये एक अगेन शोल्डर है, एंड इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और अगर जूम आउट करता हूं आप लोगों के लिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, लेट मी शो यू, सी दिस, ये एक आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हमें बहुत सारे पैटर्न्स के ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि स्टॉक हमें बता रहा है कि इसके अंदर एक मूवमेंट आने वाली है और आने वाले टाइम पे ये और ऊपर जा सकता है। तो ये था हमारा गाइस पहला रिकमेंडेशन आप लोगों को विद प्रॉपर रिसर्च कि ये स्टॉक आप लोग बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की, स्टॉक का नाम था आरती इंडस्ट्रीज। सो गाइस हमारा सेकेंड स्टॉक है वीगार्ड। वीगार्ड अभी ट्रेड कर रहा है 256 रुपीज पे, तो ये तो अंडर 500 रुपीज का भी स्टॉक है। अब इस पे हम लोगों को क्या देखने को मिला, ये अभी जो मैंने टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है दैट इज वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ एक बार स्टॉक यहाँ से नीचे आया, एक बार स्टॉक यहाँ से नीचे आया एंड दोबारा एक बार यहाँ से नीचे आके ब्रेकआउट दिया। सो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक रेजिस्टेंस वाली लाइन ड्रॉ करी है जिसपे यहाँ पर रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया एंड फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ब्रेकआउट देने के बाद ये तो दोबारा नीचे आ गया, तो ये क्या फॉल्स ब्रेकआउट हुआ? एक्चुअल में नहीं हुआ। इसके ऊपर और फर्दर एनालिसिस करते हैं तो आपको ना क्लैरिटी मिलती रहेगी। अब हमने ये तो लगा लिया, अब एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ सो मेरे हिसाब से ये भी एक सही चीज़ है, ओके। सो मैं इसको इस लेवल पर एग्जैक्टली मेनटेन करके रखता हूँ। यहां पर मैंने देखा जब भी मैं सपोर्ट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, ये सपोर्ट एंड ये सपोर्ट, यहां पर हम लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जहां पर स्टॉक आया और वहां से रिवर्स करा। दूसरी चीज, मैं अभी आपके सामने 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूं, तो एग्जैक्टली स्टॉक वहां पर आया और वहीं से ये स्टॉक बाउंस करा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो फॉल आया है ना, ये वाला फॉल आया है सिर्फ अपना एक सपोर्ट लेने, उसे लगा कि यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने एग्जिट कर लिया इस पोजीशन में, बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे क्योंकि उन लोगों ने स्ट्रेंड लाइन के नीचे लगाया था। बट एक्चुअल में हम लोगों को इस लेवल के नीचे लगाना चाहिए था एंड यहाँ से ये बाउंस करा और दोबारा रेंज के ऊपर आ चुका है। आई थिंक ये बहुत बढ़िया लेवल है आप लोगों के लिए बाय करने के लिए एंड इस पर अब हम लोग चलते हैं थोड़ी और एनालिसिस करने। तो हम लोग अब लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। सो हम लोग अपने डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं एंड देखिए ये वाली जो पर्पल कलर की लाइन है, आई थिंक अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हुआ क्या था एक्चुअल में, हमें पहले एक बार स्टडी करनी चाहिए। मैंने देखा यार यहाँ पर एक रेंज डेवलप हुई, आप देख रहे हैं ये एक रेंज के अंदर स्टॉक काम करते रहा, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से ये 6 महीने तक एक रेंज के अंदर रहा। 6 महीने बाद फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट देने के बाद एक फॉल आ गया, कंसिस्टेंट एक फॉल आ गया। सबसे पहली चीज आप देखिएगा, इसने ब्रेक एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा, एक शार्प इंपल्स मूव एक रेंज के अंदर और इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद इसके जो टारगेट्स थे उस तक तो रीच करा नहीं है, अभी भी इसके टारगेट्स और हायर हैं। सो मेरे हिसाब से अभी भी इसके अंदर एक बाइंग प्रेशर बनता है।
अगर मैं और फर्दर एनालिसिस करूं तो यहां पर मेरे को ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी एंड आई थिंक ये एक सूटेबल ट्रेंड लाइन है एंड इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन हमारे लिए ये काम कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रही होगी, यहां पर भी एक फ्लैग पैटर्न बना है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, एक शार्प इंपल्स मूव, एक रेंज के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है एंड इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद आप स्टॉक को देख रहे हैं, ऊपर गया, इट गेव अ रिट्रेसमेंट, अगेन इट मूव्ड अप, अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करा, ये वाली कैंडल ने फिर रिट्रेसमेंट दिया, दोबारा ऊपर गया, अब दोबारा रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। तो यहां पर अभी एक बहुत बढ़िया बेस क्रिएट हो रहा है, यहां पर एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए जहां बेस क्रिएट कर रहा है वो एग्जैक्टली वो पर्पल लाइन है जहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया था। इसके अलावा दोबारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट इसको देखने को मिल रहा है, बार बार यहां पर रिजेक्शन मिल रहा है इसे, तो यानी कि देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। सो क्या सर हम लोग अभी के अभी बाय कर ले जब मार्केट ओपन हो करंट लेवल्स पे? बिल्कुल भी नहीं, हमें एंट्री लेवल फाइंड करनी है। एंट्री लेवल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट मी शो यू। सबसे पहले तो ये सारी चीजें हटा देते हैं जिसका कोई यूज नहीं है अभी, ठीक है, इस जोन का हम लोगों को कोई भी यूज नहीं है। अब यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, दैट शुड बी दिस पर्टिकुलर लेवल। जब मैंने ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो मेरे को पता चला जिस टाइम ये ब्रेकडाउन आया था, ये देख रहे हैं यहां पर एक ब्रेकडाउन आया, इसने पुल बैक दिया, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस बना और एक शार्प फॉल आई और दोबारा यहां पर सेकेंड टाइम आया और स्टॉक नीचे आया। तो अभी तो ट्रेड कर रहा है 257 रुपीज पे, ठीक है, अब हमें एंट्री यहां पर लेनी है। तो मेरे हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं एट इसके ब्रेकआउट पे, ये देख रहे हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस हम लोगों को फेस करने को मिल रहा है एट दिस पर्टिकुलर लेवल। जब इसका ब्रेकआउट आएगा किस लेवल पे, लेट मी शो यू एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जब ये ब्रेक करेगा 259 रुपीज पॉइंट 50 पैसा को, तो हमें बाय करना है। तो अब आप लोगों के लिए एंट्री पॉइंट क्या हुआ, आपके लिए एंट्री पॉइंट हुआ आपको 259.50 पैसा या 260 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होती है तो आपको अपना बाय सेटअप जनरेट करना है। सर व्हाट शुड बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस? सो मेरे हिसाब से देखिए हमें स्टॉप लॉस तो बेसिकली पता है, अगर हम लोग इसके ऊपर बाय करेंगे सो दैट शुड बी आर स्टॉप लॉस। इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे हम अपना ये स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेते हैं। आंसर टारगेट बता दीजिए, तो टारगेट देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहला टारगेट तो प्रीवियस हाई होगा, ठीक है, जो भी ये प्रीवियस हाई था, लेट मी शो यू, जहां से हम लोगों ने फॉल देखा था आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड इसके और ऊपर जाने के भी चांसेस है बिकॉज फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आ चुका है, इसके जो टारगेट छुपते हैं वो 320-310 के आसपास भी है, बट हम लोग अगर मिनिमम टारगेट मान के चले सो दैट शुड बी द 10% रिटर्न। सो ये स्टॉक हम लोगों को 10% तक का रिटर्न भी दे सकता है। अब आप लोगों को एंट्री लेवल पता चल गई है, आप लोगों को स्टॉप लॉस पता चल चुका है, आप लोगों को टारगेट पता चल चुका है, तो हमारे पास दो स्टॉक्स हो गए हैं। सबसे पहला स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज जिस पे आप लोग बाय कर सकते हैं, दूसरा स्टॉक वी कार्ड, एंड अब थर्ड स्टॉक की बात करते हैं। सो गाइज हम लोगों का लास्ट स्टॉक है वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड ये स्टॉक भी 800 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप लोग इजिली इस पे भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। सो एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे हिसाब से सबसे पहला एक जोन ये क्रिएट हो सकता है, ठीक है, जोन कैसे ये बना मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीपल हर्डल्स थे, ये आप देख रहे हैं पूरा महीना इसके ऊपर नहीं गया एंड फाइनली जब इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक नीचे आया, इट गेव अ रीटेस्ट और ऊपर गया। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं मेरे हिसाब से ये वाली, ठीक है। तो हम लोगों को एक चीज तो पता चली कि अभी एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है, अभी एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये स्टॉक पर्टिकुलर काम कर रहा है एंड गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट, इसने वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अब इसके कुछ हर्डल्स भी हो सकते हैं, ब्रेकआउट तो दिया, अभी देखिए स्टॉक को फाइंड कर लेना, एक पैटर्न को फाइंड करके एंट्री और बाय ले लेना ये अच्छी बात नहीं है, आप हमेशा लॉस फेस पे जा सकते हो, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे हर्डल्स कहां पर है और एक परफेक्ट एंट्री कहां पर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर ली, तो हमें पता चला कि एक ट्रायंगल पैटर्न बना है और उसका एक ब्रेकआउट हुआ है। इसके अलावा अगर फर्दर एनालिसिस करनी हो तो एक पैटर्न और बना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को फिबोनाची दिखाता हूं। फिबोनाची दिस इज द बॉटम एंड दिस इज द टॉप, जब फिबोनाची हम लोगों ने ड्रॉ करा तो हमें पता चला कि एग्जैक्टली जो ये पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है
ये दे रहा है 61% रिट्रेसमेंट लेवल पे, आप देख रहे हैं एग्जैक्टली 61, जो कि फिबोनाची का एक गोल्डन रेशियो होता है, गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो माना जाता है, कि यहां से मल्टीपल रिवर्सल्स हमें देखने को मिले हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स पे देखने को मिले हैं। सो आई थिंक अगर स्टॉक ने यहाँ पर एक बेस क्रिएट करके एक ब्रेकआउट दिया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब इस पे एक पैटर्न मैंने अभी आपको बोला ना, एक और बन रहा है, उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं पेनेंट पैटर्न। पेनेंट पैटर्न होता है बुलिश पेनेंट पैटर्न, यानी कि जब एक इंपल्स मूव आती है और स्टॉक एक रेंज के अंदर आ जाता है जहां पे कन्वर्ज हो जाती है दोनों लाइंस। अब देखते हैं दोनों लाइन यहां पर कन्वर्ज हो चुकी है, मतलब आगे ट्रेड करने का गैप ही नहीं बचा। जब यहां पर आप देख रहे हैं गैप खत्म हो जाता है तो आइदर साइड इट गेव अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन, सो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। जब ये पैटर्न बनता है तो इसके टारगेट बहुत ही ज्यादा ऊपर होते हैं, और ये मेरे हिसाब से अगर वीकली टाइम फ्रेम है तो हम लोग मान के चल सकते हैं साल एक साल के आसपास की टारगेट्स होंगे जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। सो मेरे हिसाब से अगर मैं मान के चलता हूँ दिस, तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल, जो कि हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन जो हम एक टूल यूज करते हैं ये टारगेट्स को फाइंड करने के लिए, और उसका जो रेशियो होता है दैट इज 1.618, तो वो हमारा टारगेट होता है। तो हमारा टारगेट आ रहा है 1130 रुपीज का, भी ट्रेड कर रहा है 800 रुपीज पे। सो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो मेरे हिसाब से परसेंटेज वाइज इट्स 38-40% का रिटर्न ये स्टॉक आने वाले एक साल के अंदर भी दे सकता है, बट हमें एक साल नहीं वेट करना, ठीक है, हमें अभी थोड़ा सा जल्दी पैसा अर्न करना है, महीना महीना लोगों को अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे इसकी फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो जब मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा तो डेली टाइम फ्रेम पे यार मैं देख रहा हूँ कि एक चीज का यूज और कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना स्टॉक, पहले आप साइकोलॉजी को समझें जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर बहुत बार ये पॉज लिया, फिर ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ पर पॉज लिया, फिर ब्रेकडाउन आया, फिर ऊपर गया तो यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट करा, अगेन एक पॉज आया। तो यहाँ पर मल्टीपल हर्डल्स तो मुझे हर समय देखने को मिल रहे हैं, हर जगह, मतलब हर जगह एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मैं कैसे एक परफेक्ट एंट्री लेवल पता लगा, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर होता है कि हमें बता देता है सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर है, उसके ऊपर हम लोग एक बाइंग कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से मैं एक वॉल्यूम का इंडिकेटर आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो जब हम लोगों ने वॉल्यूम का इंडिकेटर ओपन करा एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस इस लेवल पे, तो हमें यहां पर देखने को मिला कि हाईएस्ट वॉल्यूम, आप यहां पर देख सकते हैं, आप लोगों को वॉल्यूम्स के बाहर देखने को मिल जाएंगे हाईएस्ट वॉल्यूम, और ये रेड लाइन बता रहा है कि इसके ऊपर अगर स्टॉक चले जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं स्टॉक की लाइन, आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉज लिया, मल्टीपल पॉज लिया एंड फिर ब्रेकडाउन, और यही लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुकी थी, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। इस लाइन के ऊपर भी स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दे दी है, तो अगर मैं यहाँ पर एक जोन क्रिएट कर दूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए एक जोन हम लोग क्रिएट कर देते हैं, दैट शुड बी एट दिस लेवल, ठीक है, एंड इसको हटा देते हैं कि चार्ट थोड़ा सा तमीज का लगे, ओके। सो हमारे हिसाब से अगर हम इस जोन के ऊपर बाइंग करते हैं तो हम लोगों को बढ़िया एंट्री लेवल मिल सकता है। सो अभी करंट प्राइस है 811 रुपीज का, हमें बाय करना है 815 रुपीज के ऊपर। सो अगर मैं 815 के ऊपर बाय करता हूँ, सो मेरा टारगेट होगा पहले तो प्रीवियस हाई, जो कि 14% का रिटर्न दे रहा है, जो कि 113 रुपए ऊपर है। इसके अलावा जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, अब मुझे अपने स्टॉप लॉस की चिंता करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि शायद यहाँ से स्टॉक दोबारा नीचे आ जाए, और तो यहाँ पर मैं इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस पुट नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं इतना बड़ा स्टॉप लॉस पुट करने के लिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉप लॉस निकालने के लिए फिबोनाची का यूज करूँगा। फिबोनाची इन द सेंस मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने बॉटम लिया एंड हम लोगों ने टॉप लिया। अब इसका जो ये लेवल है, ये जोन, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर सकता है अगर ये एक बार भी नीचे आता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर भी यूज करता हूँ, ठीक है, तो हमारे हिसाब से देखिए ये इसके नीचे का जोन आ रहा है। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगर मैं स्टॉप लॉस पुट करना चाहूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल का, इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, एंड मेरा टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। अब आपको पता चल गई कि कैसे स्टॉप लॉस हम लोगों ने पुट करा, कैसे टारगेट फाइंड करा एंड क्या हमारा एंट्री लेवल है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 है। तो मैंने आप लोगों को तीन बढ़िया स्टॉक्स दिए हैं, कुछ ज्यादा बढ़िया आउट परफॉर्म कर सकते हैं स्टॉक्स, कुछ ना भी करें, तो ओवरऑल तीनों स्टॉक्स पे आप कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना, ये नहीं कि कोई भी एक स्टॉक आप लोग सेलेक्ट करो,
तीनों में इन्वेस्ट करो, एक बढ़ेगा एक नहीं बढ़ेगा, दो बढ़ेंगे एक नहीं बढ़ेगा, दो ज्यादा बढ़ेंगे एक नहीं बढ़ेगा, तो आपका पोर्टफोलियो ना स्टेबल रहेगा। तो तीनों स्टॉक्स पे गाइस इन्वेस्ट करेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइस हम लोगों ने आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए अपने चैनल से मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है, तो आप लोगों को एड्स भी नहीं दिखना होंगे और आप लोगों के लिए और ईजी हो जाएगा हमारी वीडियोज को एक्सेस करने के लिए। सो गाइज हैव अ गुड डे, आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो पे। बाय बाय।